देखिए अभी हम जोन बिकी शर्मा रहें जिनकर भाई के हत्या कर दल गई उनके घर में शादी रहे और आज शादी श्री राम जानकी मंदिर पर हो रहा बा और जितना भी जनप्रतिनिधि लोग बाटे वो चाहे वीरेंद्र शर्मा जी ले ली चाहे मिथिलेश शर्मा जी ले ली वो चाहे राधेश्याम शर्मा जी ले ली मुन्ना शर्मा जी ले ली और मनोज शर्मा जी ले ली मतलब पूरा समाज के लोग मौजूद बाटे सबके जनप्रतिनिधि रहल बाटे और हर प्रकार के कुकृत्य हत्या कर दल और एगो भाई के अपना लक्ष्य से जुदा कर दल। लेकिन आज कहीं ना कहीं समाज में ऐसा लोग बाटे कि बिकी के जगह पर खड़ा बा। वीरेंद्र शर्मा जी से हम बात करे के चाहें शर्मा जी आज रुआ भाई लोग बड़ भाई के नाते रुआ खड़ा बनी है जी आज बिकी भले नहीं लेकिन रुआ मतलब हिम्मत के साथ खड़ा बनी। सबसे पहले हम रुआ चैनल के जितना भी दर्शक लोग बा ओकरा के धन्यवाद देता हूँ देम आ हम कह के ही चाहें कि जौन ये घटना घटल बा ये बहुत दर्दनाक घटना बा समाज के लिए अच्छा संदेश नहीं है जौन घटना के जरा गरीब के बेटी के शादी रहे बा आज आ तिलक रहे 13 तारीख के आ 10 तारीख के घटना घटल बिके के संगे जौन कि यहाँ ना रहते रहल बाहर रहते दू दिन पहले अलन ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना बा एकरा खातिर पूरा समाज घृणा करता आ आज वह बेटी के उनका बहन के शादी बा शादी में पूरा समाज जिला के सभी विश्वकर्मा समाज के लोग उपस्थित बा दरौंदा के प्रशासन के लोग के भी हम धन्यवाद दें वो लोग भी उपस्थित बा सब लोग के देख रेख में शादी होता आ हम यह कहे के चाहें कि जे इमे हत्या में बा संलिप्त दरौंदा प्रशासन जिला प्रशासन से हम आग्रह करें निवेदन करें दबाव नहीं कि बा निवेदन करें कि ओकरा के जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी होके के चाहिए आ हमार पूरा समाज अगर ना हुई तब हमनी के एपर जौन आगे निर्णय लेवे के हुई हमनी के बैठ के निर्णय लेम सन और न्याय दिला के रहम सन एकरा से हमनी के पीछे ना हटे। बतावल जा जौन प्रकार से हत्या भइल लगातार मतलब आज यो घर बहिन के भाई छीन ले गेल लेकिन वो लोग मतलब अच्छा लगा था कि समाज के तौर पर सब क्यों खड़ा बाटे भाई के नाते भाई के कमी के दूर करता नहीं लोग तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटल बा हमने के अखबार के माध्यम से एकर जानकारी भइल आ हम प्रशासन से ये मांग करब कि जे भी हत्यारा लोग बा जे भी नामजद अभियुक्त बा ओकरा के प्रशासन अविलंब गिरफ्तार करे न तो फिर वो लोग के मन बढ़ी आ मन बढ़ला के बाद से फिर और सब भी घटना के लोग अंजाम दी ऐसे हम प्रशासन से मांग करते नहीं कि जितना जल्दी हो सके उनके गिरफ्तारी होके और न्याय दिलवाओ जाए। का कहे के चाहें आज जौन प्रकार से मर्माहत कर दे वाला घटना बाटे कहीं ना कहीं अगर देखा जाओ तो सब केहू को स्तब्ध करता थे। देखिए सबसे पहले तो हम प्रशासन की उदासीनता को समाज के सामने रखना चाहेंगे कि हत्या हो जाता है पुलिस प्रशासन पोस्टमार्टम करवाने के बाद दाह संस्कार करवा देती है उसके बाद पीड़ित परिवार के पास वो पूछने नहीं जाते कि उस परिवार की स्थिति क्या है। जितने भी हत्यारे हैं इस घटना में संलिप्त लोग हैं वो सब लोग प्रशासन के बगैर मिली भगत के गांव छोड़कर के चले जाते हैं। इस समय तकनीक बहुत आगे बढ़ गया है और प्रशासन कह रही है कि हमारे पास कोई गारंटी नहीं है कि गिरफ्तारी कब होगी तो ये साफ दिखाता है कि प्रशासन जो है इस मामले को दबा देना चाहता है इस मामले को गरीबों वंचितों शोषितों का जो न्याय का जो अधिकार है वो छीन लेना चाहता है। अब मुझे ये बतावल जाओ घटना जो बाटे मर्माहत कर दे वाला पहुँचल बनी लो भाई के नाते रहो लो खड़ा बनी लो कहीं कोई हिम्मत मिलता परिवार के नहीं ऐसे तो वो लोग के बहुत हिम्मत मिली जी। हमने के हर दुख के घड़ी में हर वक्त हमने के खड़ा बनी सर जहाँ भी हमने के जरूरत पड़ी वहाँ हमने के सब कोई मिलजुल करके एकरा के गिरफ्तारी खातिर हमने के अभी तत्पर रही और प्रशासन से भी मतलब ये बात कहल जाता है कि प्रशासन भी पर जल्द से जल्द एक गिरफ्तारी करे तो लोग तो मनोबल बढ़ रही
कहीं भी ऐसा अंजाम दे सकत टे लो आज यहाँ दहलो काल वहाँ दे लो। ऐसे हमने के हर वक्त उन लोग के साथ है वानी सन पीड़ित परिवार के साथ में दू के घड़ी के साथ में हमने के वानी सन। मुखे बतावल जाओ जोन घटना सुनने के बाद सबके मरमाहत भाई और लोग कहीं ना कहीं खड़ा बनी तो समाज में लोग में हिम्मत आवता घटना जो घटल बा बहुत निंदनीय घटना बा सब ना होके चाहिए। प्रशासन से हमने के मांग करते सन जे प्रशासन ए पर बढ़िया विस्तृत अथी करो को धर पकड़ करके उचित कार्रवाई करो हमें यह मांग करते से प्रशासन से और पीड़ित परिवार के साथ हमने के जितना विश्वकर्मा समाज बनी सन हमने के सब आदमी साथे बनी सन। गुरु जी बतावल जा आज पहुँचल बानी कहीं ना कहीं एक तरह से खुशी भी बाटे एक तरह से दुख भी बाटे भाई के दुख बा लेकिन भाई के दुख करे वाला दूर करता नहीं। सबसे पहले राउत चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद देते नहीं और सारा श्रोता लोग कि रउआ लोग हम सन के आवाज़ के आगे बढ़ावता नहीं लोग ना तो आज से पहले तो बहुत चैनल भी देखनी अभी भी देखा था नहीं कि मीडिया भी बहुत एक्टिव नहीं है हमने सन के समाज के जरिए कि छोटा से छोटा के बात के भी आगे बढ़ाओ जा। दूसरी बात भाई घटना बहुत निंदनीय घटना बाबे जहाँ तक ये समाज के दबाव के कोशिश कर जाता कोनो चीज़ के कोनो घटना को एथी को उसमें पुलिस प्रशासन अपन मिली भगत करके छोड़ देता है आवाज़ के दबा देता कोनो घटना हो जाता है वही जल्दी जात नहीं है ओकरा बाद मान ली कि जौन वक्त घटना होता है वो बड़ा पुलिस पहुँचत नहीं है और देखल जाओ तो मने समाज के हमनी सन के जौन कास्ट से बिलोंग करते नहीं सन यही पर लोग के नज़र नहीं खे रहत लेकिन अब हमनी सन के जाग गई बनी सन आवे वाला दिन में हमनी सन के एगो देखाएम सन कि हमनी सन के जाति के का विचार बाबे ये तो आपस में बात करके बात कर जाइ धारणा प्रदर्शन करे के हो तो वो करम सन लेकिन हम प्रशासन से ये मांग करम कि अविलंब तुरंत पहले कार्रवाई होको गिरफ्तारी होको आ उचित से उचित दंड दिया जाओ आप मांग भी करें कि फांसी का सजा दिया जाओ।